राज्य में पिछले एक हफ्ते से जारी सियासी संशय के बीच झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 सितंबर को आहूत किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर राजनीतिक उहापोह के बीच माना जा रहा है कि महागठबंधन सरकार इस दौरान विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। वहीं इसके अलावा सदन में राज्य के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के बीच सियासी घमासान, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, स्थानीय नीति के साथ एससी एसटी व ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने जैसे विषय चर्चा कराई जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि विशेष सत्र के दौरान राज्य में जारी सियासी उहापोह के बीच सदन में को विश्वास दिलाया जाएगा कि महागठबंधन एकजुट है और राज्य के विकास के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। वहीं आलमगीर आलम ने यह कहा कि मानसून सत्र के दौरान एक दिन पहले सदन की कार्यवाही के आश्वासन के निर्णय को कैबिनेट ने स्थगित कर दिया है। अब 5 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है। सरकार के फैसले के तहत 11 बजे से विशेष सत्र आयोजित होगा जो सिर्फ एक दिन का होगा। सरकार की ओर से सत्र के एजेंडे की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि विशेष नियम की तरह स्पीकर से आग्रह कर सत्र आहूत किया गया है। बाकी आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे।